हाय, मैं हूँ ज्वेल। आप देख रहे हो टेक गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप अपने रूम पे अपना मोबाइल कहीं पे रख के भूल चुके हो तो आप उसको कैसे ढूंढे। तो आप बिना कोई फ़ोन किए आप उसको कैसे ढूंढे, तो आइए देख लेते हैं आप कैसे ढूंढेंगे उसको। सबसे पहले आपको जाना है अपना प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लैप क्लैप टू फाइंड। सर्च करने के बाद आपको उसको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। क्लैप टू फाइंड ऐप का नाम जरूर याद रखना, आपको क्लैप इस टू बात का फाइंड, ध्यान रखना है क्योंकि इस ऐप को क्लैप आप टू मैनुअली फाइंड। इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको इस ऐप को ऑल टाइम इंस्टॉल रखना पड़ेगा, वरना ये ऐप वर्क नहीं आपको इधर करेगा। पर जाके क्लैप टू फाइंड सर्च करना है। मैं ऑलरेडी इस ऐप को डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं इसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो मैं ओपन करता हूँ इस ऐप को। इस ऐप को ओपन करने के बाद मेरा डायरेक्ट ऑन हो चुका है क्योंकि मैं इसका सेटअप कंप्लीट कर दिया। तो आपको क्या करना है, पहले ओपन होने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना है। और परमिशन के बाद आपका क्लैप का साउंड डिटेक्ट करेगा, आपको एक बार या दो बार क्लैप करना है। आपका साउंड डिटेक्ट करने के बाद ये ऐप ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है, ऑन हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा ऐड भी आता है, आप रिमूव ऐड पे जाके रिमूव कर सकते हो ऐड को। तो मैं ऑन कर दिया, ऐसे ऑन स्क्रीन रहने से वर्क नहीं करेगा। आपको ऐसे मोबाइल को स्लीप में रख देना, ऐसे स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, आप इधर पे रख दीजिए। और आपको सिंपल क्या करना है, क्लैप करना है। मेरा इसमें सेट कर रहा है वाइब्रेट, रिंग और फ्लैश। देखिए मैं क्लैप करूँगा और रिंग करेगा, आप देख सकते हो वाइब्रेट भी कर रहा है, रिंग भी कर रहा है और फ्लैश भी जल रहा है। आप यहाँ टैप करने के बाद ऑफ हो जाएगा, तो आप इसमें ऐड आ जाएगा। ऐप आपको बैक करना है, तो ऐसे आप कहीं पे रख के भी भूल जाए तो आप उसको ढूंढ सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। एंड आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोज़ाना लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।